हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं संगीत सम्राट नौशाद अली जी का घर। जी हां दोस्तों, नौशाद अली जी का बंगलू मुंबई में कहां है और उस बंगलू में अभी कौन कौन रहता है, सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा इश्क भी तू है और सावन के बादलों जैसी कई सारे गाने सुने होंगे जो सुपर डुपर हिट हुए थे, उसको नौशाद अली जी ने ही गाया था। हिंदी फिल्मों में करीब 65 फिल्मों में उन्होंने गाया है, लेकिन उसी 65 फिल्मों में गाना गाने की वजह से उनका गाना इतना जबरदस्त डुपर सुपर हिट होता था, उस समय सभी लोग उनके गाने को सुनना पसंद करते थे। तो बहुत सारे लोग नौशाद अली जी के नाम से ही समझ गए होंगे कि नौशाद अली जी कौन थे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको उनके बंगले को, उनके घर को दिखाने वाले हैं कि नौशाद अली जी मुंबई में कहां पर रहते थे और अभी उस घर में कौन कौन रह रहा है, उनका बंगलो कैसा है और नौशाद अली जी के बायोग्राफी के बारे में भी बताने वाले हैं। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर आपको या तो कोई नया कलाकार हो या पुराना कलाकार हो, सबकी वीडियो मिलेगी। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, एक चैनल है जस्ट हरजीत करके और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो करिए। वो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, मतलब आप लोग उस ब्लॉग को देखोगे ना तो मज़ा ही आएगा। तो जस्ट हरजीत करके है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और उनकी वीडियो भी आई बटन पे मिल जाएगी। तो आप लोग जाइए, उसे चेक करिए और उन भाई को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दिखाइए। फाइनली दोस्तों, हम लोग नौशाद अली जी के घर के पास यानी बंगलो के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो आप लोग रोड देख रहे हो ना, ये नौशाद अली जी के नाम से ही विख्यात है। और जस्ट इसके सामने ही ये जो आप लोगों को बंगलो दिखाई दे रहा है, यही बंगलो है हमारे संगीत सम्राट नौशाद अली जी का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से इस बंगलो को कितना शानदार बनवाया गया है, इसकी डिजाइन कितनी कमाल की है। दोस्तों, पुराने घर भी इतने कमाल के बनवाए गए थे कि अब क्या ही आपको बताएं। देखिए, वहाँ पर फैन चल रहा है, उस घर में कोई जरूर है। अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे गाइज आगे से, और इस घर को, इस बंगलों को अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे कि नौशाद अली जी के गुजर जाने के बाद इस बंगलों में आखिर अब कौन रहता है। तो देखिए आप लोग, ये 3 मंजिला बंगलो कितना शानदार लग रहा है और इस समय इसकी प्राइस करोड़ों में है। क्योंकि आपको हम बता दें, जहाँ पे इनका बंगलो है ना, ये सीधे क्वार्टर रोड पर है, जहाँ आमिर खान का फरीदा हाउस है, वहीं पर जस्ट बाजू में ही इनका घर है। तो ये आप लोग इस बंगलो का मेन गेट देख सकते हैं और यहीं पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, अभी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग, तो ये मेन गेट है इनके घर का, आप लोग देख सकते हैं गाइज, जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। संगीत सम्राट नौशाद अली जी का घर, इसमें भी 2 जो गेट है वो लगाए हुए हैं, एक गेट यहाँ पर है। और इस बिल्डिंग को देख सकते हैं आप लोग कि कितनी शानदार ये बिल्डिंग है, बंगलो है, घर है, इमारत है, कुछ भी इसको कह लीजिए, क्योंकि 3 मंजिला ये बंगलो है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें खिड़कियाँ लगाई गई हैं, ऊपर का ये बालकनी बनवाया गया है, जो देखने में अभी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज, हमारे जो नौशाद अली जी थे ना, वो इसी बंगलो में रहा करते थे। आप लोग देख सकते हैं कि ये बंगलो कितना शानदार है और कितना जबरदस्त है। दोस्तों, नौशाद अली हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद अली ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया है। लेकिन इन्हीं 67 फिल्मों में संगीत देने के बावजूद नौशाद अली जी सभी संगीतकारों को पीछे छोड़ दिए थे। आपको बता दें कि नौशाद अली का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली के घर में हुआ था। वह 17 साल की उम्र में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, उस्ताद झंडे खान और पंडित खेमचंद्र प्रकाश जैसे गुड़ी उस्तादों से मुलाकात हुई। नौशाद हिंदी सिनेमा के फैन तब से थे जब मूक फिल्में बना करती थी, यानी साइलेंट फिल्में बना करती थी। 1931 में भारतीय सिनेमा में
आवाज आई। उस समय नौशाद अली 13 साल के थे। नौशाद मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए उनके संगीत सीखने पर पाबंदी थी। नौशाद के पिता ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर घर पर रहना है तो तुम्हें संगीत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नौशाद अली नहीं माने और 1937 में वह घर से भागकर मुंबई आ गए। कुछ दिन तक नौशाद लखनऊ के एक परिचित के साथ रहते थे और कुछ दिन बाद वह दादर शिफ्ट हो गए। वह अपने संघर्ष दिनों में फुटपाथ पर भी सोया करते थे। नौशाद अली ने अपने शुरुआती दिनों में एक पियानो वाली दुकान पे काम करना शुरू किया। नौशाद अली जानबूझ के उस पियानो की दुकान पे काम करते थे ताकि उन्हें उसको बजाने का मौका मिल सके। नौशाद संगीतकार उस्ताद झंडे खान के साथ 40 रुपये महीने की पगार पर काम करते थे। इसके बाद कंपोजर खेमचंद्र प्रकाश ने उन्हें फिल्म कंचन से असिस्टेंट के रूप में रख लिया। तब नौशाद को महीने के 60 रुपये मिलते थे। नौशाद खेमचंद को अपना गुरु मानते थे। उन्हें पहली बार 1940 में एक संगीतकार के रूप में काम करने का मौका फिल्म प्रेम नगर से मिला, लेकिन यह फिल्म रिलीज नहीं हुई। उनकी पहचान 1944 में आई फिल्म रतन से बनी। नौशाद अली को 1954 में फिल्म बैजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। नौशाद अली का घर लखनऊ के अकबरी गेट के कंधारी बाजार छवाई टोला में था। वे लाटूस रोड पर अपने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत सीखने लगे। इस बात से उनके वालिद नाराज रहते थे। अंत में बात यहाँ तक हो गई कि अगर वालिद ने कह दिया कि अगर संगीत को अपनाओगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, नौशाद अली को लेकर कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित हैं जो अपने आप में एक विचलित करने वाली हैं। आपको बता दें कि नौशाद अली की शादी में उनके ही बनाए गाने की धुन बजाई जा रही थी। मजे की बात ये है कि उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि नौशाद संगीतकार हैं और फिल्मों में गाना कंपोज करते हैं। नौशाद के ससुराल वाले उन्हें टेलर समझते थे। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए नौशाद के पिता जो खुद मुंशी का काम करते थे, संगीतकार के ससुराल वालों को बताया था कि वे एक टेलर हैं। दोस्तों, 1940 में आई फिल्म प्रेम नगर से नौशाद अली ने पहली बार गानों को कंपोज किया था। हिंदी सिनेमा की अद्भुत फिल्म पाकीजा के संगीत में भी नौशाद अली का योगदान था। गुलाम मोहम्मद साहब के निधन के बाद नौशाद ने ही उस फिल्म का संगीत पूरा किया था। बैजू बावरा, मुगले आजम का फेमस गाना प्यार किया तो डरना क्या को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। यह शानदार गीत संगीतकार नौशाद की ही देन है। दोस्तों, उस समय नौशाद अली जी गुलाम साहब से एक फिल्म के लिए गाना गवाना चाहते थे, लेकिन गुलाम साहब ने फिल्म में गाना गाने के लिए मना कर दिए और उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में गाना नहीं गाता। और आपको बता दें, उसके लिए उन्हें 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जैसी गायिकाओं को भी 300-400 रुपये मिलते थे गाना गाने के लिए। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शानदार सा बंगलो है ना, इसी बंगलों में हमारे संगीत सम्राट नौशाद अली जी रहा करते थे और अभी वहाँ पर इनके ही रिलेटिव लोग रहते हैं। दोस्तों, नौशाद अली जी 5 मई 2006 को संगीत जगत को रोता बिलखता छोड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इनके बंगले को देख पा रहे होंगे। इनका बंगला नौशाद अली मार्ग कार्टर रोड के जस्ट बगल में ही स्थित है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इनके घर का पूरा ब्लॉग दिखा दिया है और बता दिया है इनके जीवनी के बारे में भी। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आया होगा गाइस। तो जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एक्टर्स के घर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।